अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ जिसमें हमारे पास कुछ वेक्टर्स गिवन है हम लोगों ने उनकी पोजीशन फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की एंगुलर मोमेंटम चूंकि एक वेक्टर प्रोडक्ट है आर क्रॉस पी का इसी वजह से वो एक वैक्टर क्वान्टिटी कहलाती है सो मोमेंटम विल बी इक्वल टू आर क्रॉस पी द डायरेक्शन ऑफ एल यानी कि एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स राइट हैंड रूल से अगर हम लोग अपनी फिंगर्स को कर्व करते हैं अराउंड द मोशन ऑफ द बॉडी यानी कि अगर बॉडी इस तरह रोटेट कर रही है तो हम लोग अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्व करते हैं उस मोशन की डायरेक्शन में वो जो थम है हमारे पास वो हमें फिर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है किसकी एंगुलर मोमेंटम की विच इज़ टुवर्ड्स द एक्सिस हैंस डायरेक्शन ऑफ एल एंगुलर एंगटम इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मोशन तो हमारे पास जो एंगुलर एंगुलमेंटम होता है स्टूडेंट्स उसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है टूवर्ड्स द प्लेन ऑफ द मोशन के यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन होती है एंगुलर मोमेंटम की वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन पाई जाती है सो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड करने का जो हमारे पास मेथड है स्टूडेंट्स इन वेक्टर फॉर्म वो है वी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा जहां पर हम लोगों ने टेंजेंशियल वेलोसिटी की इक्वेशन को लिया विच इज इक्वल टू आर रेडियस क्रॉस ओमेगा जो कि एंगुलर वेलोसिटी है सो so, अगर इस इक्वेशन को लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी को और अगर हमें टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी गिवन हो जो कि वेक्टर क्वांटिटी है और ये अगर आपस में परपेंडिकुलर हो स्टूडेंट्स तो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को एज अ वेक्टर क्वांटिटी इजीली फाइंड कर सकते हैं और अगर हम लोगों ने इसकी डायरेक्शन को फाइंड करना है तो वो हम लोग राइट हैंड रूल के तहत फाइंड कर सकते हैं जिसमें आप लोग सिंपल क्या करते हैं अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं जो कि मोशन की डायरेक्शन को बताता है और जो इरेक्ट थम होता है स्टूडेंट्स वो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्टर क्शन को स्पेसिफाई करता है थैंक यू